हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मैटर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाएं। इसके लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे से यूज़फुल सेंटेंसेस आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। इससे आपके बच्चों को इंग्लिश सीखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमें सबसे पहले तो हमारे बच्चों की वोकैबुलरी पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है। हमें घर पर जो यूज़फुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हमारे बच्चों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना होता है। क्या होता है, घर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें हम जब बच्चों से इंग्लिश में बोलते हैं कि बेटा इसे हिंदी में ये बोलते हैं, इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं, इस तरीके से जब हम हमारे बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, तो बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आता है। बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ये इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में तो बच्चों को अच्छे से पता होता है क्योंकि घर में हम उन चीज़ों को हिंदी में ही बोलते हैं, बट उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर हम बच्चों को ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग में हमें हमारे घर की जो छोटी छोटी यूज़फुल चीज़ें हैं उससे हम हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि बेटा इसे हिंदी में ये बोलते हैं तो इंग्लिश में इसे ये बोलते हैं। इस तरीके से हम हमारे बच्चों की वोकैबुलरी पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं जिससे बच्चों को इंग्लिश में बोलने में और इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए, आज मैंने आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रात और दिन के अभिवादन के लिए। सेट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गो आउट, बाहर जाओ। कम इन, अंदर आओ। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। एनीथिंग एल्स, और कुछ। टेक इट, इसे लो। गो अवे, दूर जाओ। स्टे अवे, दूर रहो। वेल डन, शाबाश। कीप इट अप, करते रहो। सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट हैपन, क्या हुआ। डोंट पुश, धक्का मत दो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना काम कर लिया है। गो, जाओ। डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। डोंट मूव, हिलो मत। फिनिश योर मील फास्ट, अपना खाना जल्दी खत्म करो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। ट्राई अगेन, फिर से करो। डू इट योरसेल्फ, खुद करो। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो। व्हाट डिड यू डू एट स्कूल, तुमने स्कूल में क्या किया। हाउ इज योर टीचर, तुम्हारी टीचर कैसी हैं। वॉश योर हैंड्स,
अपने हाथ धोकर आओ, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑन द लाइट, लाइट चालू कर दो, क्लोज द टैप, नल बंद कर दो, डोंट थ्रो इट, इसे फेंको मत, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, डोंट इंटरप्ट मी, बीच में नहीं टोकते, कीप क्वाइट, चुप रहो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो देखिए, ये तो थे छोटे छोटे से सेंटेंसेस जिससे हम हमारे बच्चों को इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हैं। इस तरीके के बहुत ही अच्छे छोटे छोटे से सेंटेंसेस से हम हमारे बच्चों को इंग्लिश में बात करना बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि शायद ये मेरा वीडियो आपके बच्चों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। अगर आपके बच्चों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।